गुड मॉर्निंग माई डियर किड्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन जग्स एंड मग्स आपको पता होगा जग में क्या आता है यस yes, वाटर और मग में भी हम वाटर भरते हैं बट वाटर किस में वॉट इट इज वो क्या है इट इज़ अ लिक्विड सो इन दिस चैप्टर We are going to learn about liquids and how we can measure it, which are the units which are the containers we are using it so see first substances like water, milk petrol oil, etc are called liquid right they are called liquid they are called the liquid now. द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज़ अ क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड कि सपोज़ कोई बर्तन है उसमें कितना पानी रहता है कि सपोज फाइव हंड्रेड एम एल रहता है तो वो उसकी होगी कैपेसिटी और कैपेसिटी जनरली यूज़ होती है लिक्विड को मेज़र करने के लिए जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी ओके सपोज कि कोई बॉटल में वन लीटर पानी रहता है तो उसकी कैपेसिटी होगी कि वन लीटर उसकी कैपेसिटी क्या लाएगी ओके नाउ वी कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन लीटर एंड मे सो दिस टू आर द यूनिट दिस वन सॉरी एंड दिस विच आई हैव अंडरलाइन सो लीटर एंड मिली लीटर आर द यूनिट्स टू मेजर द लिक्विड नाउ सी लीटर

कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड आर द आपने शायद देखे भी होंगे ये सारे पेट्रोल ऑयल और कैरोसिन मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं वन लीटर फाइव हंड्रेड एम एल टू फिफ्टी एम एल हंड्रेड एम एल फिफ्टी उसी तरह अगर आपके घर पे दूध आता होगा तो आपने देखा होगा जो दूध वाला पहले और अभी भी जो ये कंटेनर यूज़ करता है टू मेज़र दी मिल्क एंड वी कैन मेजर ऑयल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस ओके सो वन लीटर फाइव हंड्रेड एम एल टू फिफ्टी एम एल हंड्रेड एम एल फिफ्टी एम एल सो जब अगर दूध वाला आपको फाइव हंड्रेड एम एल का दो बार अगर आपको देगा तो इट विल बिकम वन लीटर क्योंकि फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड थाउजेंड एम एल होगा एंड थाउजेंड एम एल मीस वन लीटर सेम वे अगर टू फिफ्टी एम एल का है तो फोर बार देगा वो तब जाके वन लीटर बनेगा और अगर हंड्रेड एम का है तो टेन टाइम होगा तब जाके वो वन लीटर बनेगा ओके सो दिस ऑल आर द यूनिट्स यूज टू मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड दिस ऑल आर द कंटेनर्स कैसे यूज इवन यू कैन सी पेट्रोल जब पुराने जाते होता पेट्रोल पम्प भी देखना बोल देखा हम भाई ट्वेंटी लीटर आया टेन लीटर आया राइट सो लिक्विड जनरली आर मेजरड इन दीटर एंड मिलीटर ओके नाउ सी मेजरिंग कैपेसिटी इन लीटर एंड मिल जो लार्ज क्वांटिटी है उनके लिए हम लीटर यूज करते हैं जैसे कि वाटर टैंक है बड़ा सा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 500 500 1000 हंड्रेड लीटर का आता है तो वहां पे हम लीटर यूज करेंगे मिल्क लीटर वन लीटर का थ्री लीटर के आते हैं राइट पेट्रोल टैंक थाउजेंड लीटर का तो वहाँ जो बड़ी क्वांटिटी जब होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड होते हैं तो हम लीटर्स यूज़ करते हैं वेर एज़ जो छोटी है कि सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल पैप्सी वगैरह आप पीते होंगे वो तो उसमें विल यूज़ मिली लीटर कप सिरप हंड्रेड एम एल की आती है तो वहाँ लीटर नहीं हो गए वहाँ पर होगा मिली लीटर कैचअप थ्री फिफ्टी एम एल का देखा होगा आपने सो so, जस्ट छोटी यूनिट है फॉर दैट वी आर यूजिंग मिलीलीटर ओके गॉट इट नाउ सी दिस ऑन दिस चैप्टर नंबर सेवन यू कैन सी एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर सेवेंटी फाइव नाउ फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोस्त विच कैन होल्ड मोर लिक्विड अब ज़्यादा कौन होल्ड करेगा जो चीज़ बड़ी होगी एंड रॉन्ग जो छोटी होगी उसमें लेस लिक्विड आएगा आप खुद ट्राई करना घर पर एक गिलास लेना और कप लेना और बताना हो उसकी इसमें ज़्यादा पानी रहता है तो आप कप में क्या होगा कप गिलास से छोटा है इट इज स्मॉलर सो इट विल होल्ड लेस वाटर देन दिस ग्लास तो यहाँ पर लेस वाले में आप क्रॉस आउट करोगे जो ज़्यादा है फॉर दैट वी विल टिक मार्क सेम वे सी बकेट एंड मग इज देयर सो बकेट विल होल्ड मोर वाटर देन दिस मग सो बकेट राइट एंड दिस विल बी रॉन्ग ओके सेम वे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ये पूरी एक्सरसाइज कर लेना क्वेश्चन नंबर वन ओके एंड देन सी दिस वन फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोस्त विच कैन होल्ड द मोस्ट मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा